आईपीएल 2021 का 24वां मैच आज मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला जाने वाला है। दोनों ही टीमों ने अब तक 5 में से 2 मैच जीते हैं, यानी कि आज के मैच में जो टीम जीतेगी वो चौथे नंबर पर आ जाएगी। और पॉइंट टेबल की इस रेस में मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स का ये मैच एक अहम मैच हो सकता है, क्योंकि दोनों ही टीमें अभी तक कुछ खास प्रदर्शन नहीं दे पाई है। लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे हेड टू हेड रिपोर्ट की, दोनों ही टीमों के मजबूती की और कमजोरी की, बात करेंगे पिच रिपोर्ट की, बात करेंगे प्लेइंग 11 की, मैच प्रेडिक्शन की। तो देखते रहिए वीडियो को लास्ट तक। लेकिन उससे पहले, कौन सी टीम जीतेगी आज के इस मैच को कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करते हैं हेड टू हेड। दोनों ही टीमें जब आमने सामने हुई है तो कौन सी टीम कितनी बार जीती है, तो आपको बता दें, दोनों ही टीमों के बीच में कांटे की टक्कर। अभी तक दोनों ही टीमों के बीच 23 मैच खेले जा चुके हैं, जिसमें से 11 मैच मुंबई इंडियंस ने जीते हैं, तो वही 11 मैच में बाजी मारी है राजस्थान के रॉयल्स ने। अब बात कर रहे हैं दोनों ही टीमों के एक मैच की जो कि बेनतीजा रहा है। इस प्रकार से कुल 23 मैच हुए, जिसमें से 22 मैच में तो दोनों में से एक टीम को जीत मिली और एक मैच बेनतीजा रहा है, यानी कि दोनों ही टीमों के बीच कांटे की टक्कर है। लेकिन पिछले कुछ मैचों को देखे तो ऐसे में राजस्थान रॉयल्स का पलड़ा मुंबई इंडियंस पर भारी है। पिछले 5 मैच में से 4 मैच जीत लिए हैं राजस्थान के रॉयल्स ने और एक में जीत मिली है शर्मा जी के टीम को। तो इस प्रकार से 5 मैच की बात की है, लेकिन लास्ट मैच मुंबई इंडियंस जीत कर आ रही है। ऐसे में संजू सैमसन के लिए ये काफी ज्यादा भारी होगा शर्मा जी के बेटे को हराना। अब अगर बात करें पिच रिपोर्ट की, तो आज का यह मैच खेला जाएगा दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में। ये पिच स्पिन रोल के लिए काफी मददगार है। हालांकि मैच दोपहर के समय होने के कारण ओस फैक्टर की कमी देखने को मिलेगी। वह तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने वाला है। टॉस जीतने वाली टीम बल्लेबाजी करने का फैसला ले सकती है। बाउंड्रीज छोटी है, तो ऐसे में जो खिलाड़ी खेलने उतरेंगे पहले वो बड़ा स्कोर बनाने की चाह रखेंगे, और बड़ा स्कोर अगर बनता है तो सामने वाली टीम के लिए बड़ा स्कोर चेज करना पड़ेगा और ये मुश्किल हो सकता है, क्योंकि दोनों ही टीमों के पास शानदार बॉलर भी है। अब अगर बात करें दोनों ही टीमों के मजबूती की, तो आपको बता दें दोनों ही टीमों के पास एक शानदार टॉप ऑर्डर हो सकता है। अगर बात करें मुंबई इंडियंस की, तो मुंबई इंडियंस के पास यकीनन एक अच्छा टॉप ऑर्डर है, जहां पर रोहित शर्मा है, क्विंटन डीकॉक है और सूर्य कुमार यादव है। ईशान किशन इस बार कुछ खास अच्छा प्रदर्शन नहीं दे पाए। यहाँ पर जो मुंबई इंडियंस का जो मिडिल ऑर्डर है वो काफी कमजोर नजर आ रहा है, जिसमें हार्दिक पांड्या हो गए, किरण पोलार्ड हो गए और कुणाल पांड्या कुछ अच्छा प्रदर्शन नहीं दे पा रहे। वहीं अगर हम बात करें राजस्थान रॉयल्स की, तो इनके पास जोसफ बटलर है, यशस्वी जायसवाल है और संजू सैमसन है और डेविड मिलर है, शानदार प्रदर्शन दे सकते हैं। हालांकि जोसफ बटलर कुछ अच्छा प्रदर्शन नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन संजू सैमसन कहीं ना कहीं हद तक एक अच्छा प्रदर्शन दे सकते हैं। हालांकि संजू सैमसन भी अभी तक 2 मैच में अच्छा प्रदर्शन दे पाए, बाकी सारे मैच में वे फ्लॉप रहे। पहले मैच को छोड़ दे तो संजू सैमसन का जो स्कोर है वो काफी अच्छा नहीं रहा है। मैं अगर बात करें डेविड मिलर की, तो डेविड मिलर ने भी अपने एक मैच में अच्छा प्रदर्शन किया था। अगर हम बात करें राजस्थान रॉयल्स के कमजोरी की, तो इनकी कमजोरी यह है कि बेन स्टॉक्स और जोफ्रा आर्चर दोनों ही अभी फिलहाल टीम में नहीं है। मुंबई इंडियंस की कमजोरी यह है कि उनके पास अच्छे ऑलराउंडर तो है, लेकिन अच्छा प्रदर्शन नहीं। किरण पोलार्ड हो गया, कुणाल पांड्या हो गए और हार्दिक पांड्या तीनों ही शानदार ऑलराउंडर है, लेकिन वो बल्ले से काफी अच्छा प्रदर्शन नहीं दे पा रहे हैं। अब बात करें अगर हम दोनों ही टीमों के प्लेइंग 11 की, बात करते हैं सबसे पहले मुंबई इंडियंस की। तो मुंबई इंडियंस की अगर प्लेइंग 11 की बात करें, तो मुंबई इंडियंस के पास रोहित शर्मा है, क्विंटन डीकॉक, सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन, हार्दिक पांड्या, कुणाल पांड्या, किरण पोलार्ड, जयंत यादव,
राहुल चहर, जसप्रीत बुमराह और ट्रेंट बोल्ट, ये प्लेइंग 11 रह सकती है। वहीं अगर राजस्थान रॉयल्स के प्लेइंग 11 की बात करें तो जोस बटलर, यशस्वी जायसवाल, संजू सैमसन, डेविड मिलर, शिवम तुबे, रियान पराग, राहुल तेवतिया, क्रिस मॉरिस, चेते उनादकर, चेतन सगड़िया और मुस्ताफिजुर रहमान, ये प्लेइंग 11 रह सकती है। वहीं अगर बात करें फैंटेसी 11 की तो क्विंटन डीकॉक, जोस बटलर, संजू सैमसन, सूर्य कुमार यादव, यशस्वी जायसवाल, रोहित शर्मा, क्रिस मॉरिस, ट्रेंट बोल्ट, जयंत यादव, चेतन सगड़िया और राहुल चहर। कप्तान रोहित शर्मा को बनाया जा सकता है क्योंकि रोहित शर्मा पिछले 2 मैचों से शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। और वाइस कैप्टन की भूमिका सूर्य कुमार यादव को दी जा सकती है क्योंकि सूर्य कुमार यादव हर मैच में एक औसत प्रदर्शन दे रहे हैं। अब अगर बात करें हम मैच प्रेडिक्शन की तो यह मैच भी जा सकता है मुंबई इंडियंस के झोली में क्योंकि मुंबई इंडियंस के पास एक अच्छा बैटिंग लाइनअप के साथ ही अच्छे बॉलर है। जसप्रीत बुमराह हो गया, ट्रेंट बोल्ट हो गए और इनके साथ ही राहुल चहर भी है। ऐसे में यह मैच मुंबई इंडियंस के खाते में जा सकता है लेकिन राजस्थान रॉयल्स भी कमजोर नहीं है। राजस्थान रॉयल्स भी एक अच्छा और एक बड़ा स्कोर चेज कर सकती है। हालांकि राजस्थान के जो बैट्समैन है वो इतनी अच्छी फॉर्म में नजर नहीं आ रहे। ऐसे में यहाँ पर मुंबई इंडियंस के जीतने के चांसेज ज़्यादा है। तो इस प्रकार से हमने बात करी IPL 2021 के 24वें मैच के बारे में जो कि खेला जाने वाला है मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच में। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक अवश्य करिए और साथ ही ऐसे वीडियोस देखने के लिए बिना देरी किए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में और एक और अन्य मैच के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।